अफसोस की बात है कि 8 पुलिसकर्मी जिसमें अधिकारी रैंक के भी लोग थे वो एक टेररिस्ट ने मार दिए। मैं इन सब लोगों को आतंकवादी कहूँगा और पुलिस कुछ न कर सकी। पुलिस ने जो भी किया उसके घर को तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है तुमने जो किया वो किया, लेकिन उसे कम से कम पकड़ने पे अगर इतनी कोशिश करते तो शायद वो पकड़ में आ जाता, ऑर्डर सील करते और कुछ करते। कानून व्यवस्था नाम की इस पर देश में कुछ अहमियत ही नहीं रही। वो तमाम लोग, वो पुलिस के पुलिसकर्मी जो हमारी हिफाजत करते हैं, आम जनता की हिफाजत करते हैं, जो रातों को जाग कर जनता को आराम से सुलाते हैं, उनकी हिफाजत करने वाला ऐसा लगता है इस प्रदेश में कोई नहीं है। आज वो अपराधी उज्जैन में जाकर उसने सरेंडर करा, ये भी हमारे लिए शर्मनाक बात है कि उत्तर प्रदेश में वो नहीं पकड़ा जा सका। उत्तर प्रदेश पुलिस का पूरा ध्यान नेपाल बॉर्डर पर रहा और वो साउथ की तरफ निकल गया और वहाँ पर जाकर उसने सरेंडर करा। हमें अपने कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, हमें उम्मीद है कि इसको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। कानून के हिसाब से इसको सजाए मौत मिलनी चाहिए। जबकि बीजेपी का हमेशा यही इल्ज़ाम रहा है कि सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार रही हो, सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी और क्राइम इसी सरकार में रहा है, तो अभी इस स्थिति में क्या कहते हैं? आज प्रदेश के अंदर किसी की इज्जत आबरू महफूज नहीं है। जब पुलिस के साथ ये सब कुछ हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या हो रहा होगा। आप रोज़ अखबारों में पढ़ते हैं कितने मर्डर, कितने रेप, कितनी डकैतियाँ रोज़ हो रही हैं, और बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि सारे अपराधियों को या तो जेल जाना होगा या उत्तर प्रदेश छोड़ना होगा। आपके सामने पूरी मिसाल है, इससे बड़ा अपराधी और कौन हो सकता है जिसने कि इस तरह का काम अंजाम दिया। विकास दुबे जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मार गिराया। उत्तर प्रदेश में जब तक सपा की सरकार रही तब का वाकया ज़रूर हुए, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा भयानक वाकया कोई उत्तर प्रदेश की अखिलेश जी की सरकार में नहीं हुआ जिसमें लोगों को डर लगने लगे। आज लोग सरकार की तरफ उंगली उठाते हुए डर रहे हैं, बदले की भावनाओं से राजनीतिक लोगों को जेलों में भेजा जा रहा है, तो आखिर प्रजातंत्र का हमारा क्या होगा? हमारी समझ में नहीं आता कि हमें ये प्रजातंत्र कहें इसे, यह एक अघोषित इमरजेंसी है।